है उसके लिए उनको बहुत सारी असुविधा झेलनी पड़ रही है और अभी भी पड़ रही है और पहले भी उनकी थी। बट मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है देख लीजिए, ये जो प्रोडक्ट बिल्कुल प्लास्टिक का, अगर आप हाथ में लेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि ये, मैं भी ताज्जुब हुई से देख के, जो ये बहुत ही गजब प्रोडक्ट है और मैं सारे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि आज गांधी शांति दूत सम्मान मिलना है और ये नेशनल अवार्ड आज मिलने का वक्त आ चुका है और हम लोग आज होटल लेमन ट्री और यहाँ का ड्रेस कोड है कुर्ता पैजामा। आप देख रहे होंगे जो चेहरा मुस्कुरा रहा है, ये बहुत बड़ा चेहरा है उड़ीसा का और सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए आए हैं। तो आप जानते हैं कि मतलब ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कोई मामूली तो है नहीं और उसके अंतर्गत अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पर लोग हैं सब अच्छे हैं और एक अपने अपने फील्ड में अच्छा देश को दे रहे हैं। जो लोग भी अगर देश को अच्छा देंगे तो वही ये लोग इस अवार्ड का हकदार होते हैं और इसी बीच मैं भी आ गया हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ इन्वायरमेंटलिस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अल्टरनेटिव्स जो है निकाला है कॉर्नहस में और प्लास्टिक को चुनौती देते हुए आ रहा हूँ और देना भी है क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसको ख़त्म करना ही है। तो दो चार वर्ड हमारे विजय भाई हैं और इनसे हम लेंगे प्रोडक्ट्स, इनको हम दिखाएंगे भी। तो विजय सर, मैं जब जैसी एंट्री लिया तो विजय सर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको जानता हूँ। मैं बोला सर आप कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि मैं उड़ीसा से। हम परेशान हो गए कि भाई उड़ीसा के हैं और हम जानते हैं, तो बोले कि नहीं आपको हम वॉच करते रहते हैं। तो देखिए तो अच्छे लोग जो है ना हमेशा जो है अच्छी चीज़ों को तलाश करते रहते हैं, पहुँच ही जाते हैं। कहा जाता है कि जिस किसी चीज़ को अगर दिल से चाहिए तो सारी कायनात उससे लग जाती है उस चीज़ से मिलाने के लिए। तो चलिए मैं विजय सर से जानता हूँ कि इस प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहेंगे और कैसे आपने मुझे पहचाना या क्या कुछ सीखा समझा बताएंगे सर हमारे दर्शकों। नमस्कार, सबसे पहले मैं नाज़ुज़र भाई को सारे दिल से धन्यवाद और सारे भारतीयों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक ऐसी चुनौती दे रखी है जिसका कई वर्षों से हमारा देश जिस चुनौती से हम लोग लड़ रहे हैं। प्लास्टिक हम सब जानते हैं कि एक भयंकर एक ऐसा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं जो ये प्लास्टिक को चुनौती देने के बाद और हमारे ये इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जो पर्यावरण के लिए एक शुद्धिकरण का रूप है। हम लोग जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ये हम सब भली बातें जानते हैं कि प्लास्टिक यूज़ से क्या होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी सड़ता नहीं है, जिससे विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हमारे पर्यावरण को तेज़ी से बिगाड़ रही है और कई प्रकार की बीमारियां लेके आ रही है। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स बनाया गया है, अगर आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्लास्टिक का है, बट ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ अपने हाथों में लेके। काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट्स है और अगर प्लास्टिक का कोई ऑप्शन है तो ये सबसे बेहतर है। जैसे कि इसको हम लोग, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखे है, भैया भाई को देखे है, नाज़र भाई को, उनका ये कंट्रीब्यूशन भले ही लोगों को आज नहीं मालूम बट इंशाअल्लाह ईश्वर खुदा जो भी है उनकी मेहरबानी से ये एक दिन सारे भारत में नहीं सारे विश्व में छाएगा। और उनका जो मेहनत, वो कड़ी परिश्रम कर रहे, मैंने उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये दो तीन साल नहीं, एक कहीं कम से कम 10-12 साल से कर रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराइयाँ है, बहुत सारे उनका जो ये सक्सेस मिशन है उसके लिए उनको बहुत सारी असुविधा झेलनी पड़ रही है और अभी भी पड़ रही है और पहले भी उनकी थी। बट मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है देख लीजिए, ये जो प्रोडक्ट बिल्कुल प्लास्टिक का, अगर आप हाथ में लेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि ये, मैं भी ताज्जुब हुई से देख के, जो ये बहुत ही गजब प्रोडक्ट है। और मैं सारे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि नाज़ुज़र भाई को जितना जल्दी हो सके उनके राज्य, उनके सरकार और उनका जो लोकल कम्युनिकेशन है उनके माध्यम से और एक चैनल के माध्यम से उनको, उनका जो ये महत्वपूर्ण योगदान को
सारे लोगों के सामने दिखाया जाए और इसको जल्द से जल्द हम लोग मार्केट में लाने का कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बट उनका ये जो योगदान है ये सर्वोपरि है, जो भी हो उनकी जो मेहनत और उनकी जो परिश्रम है रंग लाएगी और वो रंग ला रही है धीरे धीरे। थैंक यू दोस्त। अभी आप सुन रहे थे विजय जी को, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उड़ीसा में गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ खाने पीने का सारा इंतज़ाम करते हैं। बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारी दुआएं सर के साथ है कि आप और तरक्की करें और भी अवार्ड लें, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, नॉवेल तक लें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शिक्षा दोस्त, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, आज हो कल हो, लेकिन ये होगा क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। इसी के साथ दोस्त मैं आपसे फिर मिलता हूँ, फिर नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इनोवेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। आपको इस तरह की इनोवेटिव वीडियोज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्त, विदा लेते हैं आपसे सर। जय हिंद। थैंक यू। जय जय हिंद। जय भारत।